तो दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे द गेमर डार्नो के एक स्वर्डिगो से रिलेटेड वीडियो में मुझे कमेंट देखने को मिलता है। कमेंट ये रहता है कि स्वर्डिगो गेम का दूसरा पार्ट मार्च महीने में रिलीज होने वाला है। ये देख के तो मैं बहुत खुश हुआ कि अगर ये न्यूज सही है तो हम मार्च में स्वर्डिगो गेम के दूसरे पार्ट को खेल पाएंगे जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जब मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि ये सच में ये न्यूज सही है या नहीं, स्वर्डिगो गेम का दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है या नहीं मार्च में, तो मुझे गेम से रिलेटेड कुछ बातें पता चली जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो स्वर्डिगो गेम के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दूं कि ये गेम वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर प्लेटफॉर्म गेम है। और अगर आपने इस गेम को कभी प्ले नहीं किया है या अगर आपको ये लगता है कि ये गेम कुछ खास नहीं है तो आप इस गेम के डाउनलोड्स, रेटिंग्स और इस गेम के रिव्यूज आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वर्डिगो गेम का दूसरा पार्ट मार्च 2023 यानी अगले मंथ में रिलीज हो रहा है या नहीं। इसके लिए आपको कुछ बातों का जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि स्वर्डिगो गेम को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। गेम रिलीज हुआ था 22 मार्च 2012 में और इसे डेवलप किया था टचफू ने, जो स्वर्डिगो और सुसीस जैसे गेम्स बना चुकी है। और दोस्तों जैसे ही स्वर्डिगो गेम सुपर हिट हुआ इसके बाद सब इसके दूसरे पार्ट का वेट करने लगे। काफी सालों तक वेट करने के बाद 10 जुलाई 2018 को टचफू के ट्विटर अकाउंट से हमें एक ट्वीट देखने को मिलता है जिसमें यह अनाउंस किया गया होता है कि स्वर्डिगो गेम को डेवलप करने वाली कंपनी टचफू ने कुछ और फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके न्यू स्टूडियो बना लिया है जिसका नाम अब इन्होंने डायर लाइट रखा है। इसी ट्वीट में इन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि इस गेमिंग कंपनी का डायर लाइट का फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रिमुलर होने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद डायर लाइट 10 अक्टूबर 2018 को ग्रिमुलर को रिलीज कर देते हैं। स्वर्डिगो गेम के जैसे ही इस गेम में भी आपको अच्छी स्टोरी और अच्छा गेम प्ले, पजल्स, एक्शन देखने को मिल जाते हैं और ये गेम भी काफी जबरदस्त है। लेकिन डायर लाइट ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये स्वर्डिगो का दूसरा पार्ट है और ना ही ये गेम कहीं से भी खेलने पे स्वर्डिगो जैसा लगता है। तो जो भी न्यू अपडेट्स डायर लाइट को देना होता है ये अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बता देते हैं। और अगर न्यू अपडेट की बात करें तो स्वर्डिगो के बारे में अभी तक कोई भी ट्वीट या अपडेट इन्होंने नहीं दिए हैं। ये हो गई डायर लाइट की बात। और अगर हम टचफू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ओपन करें जिन्होंने स्वर्डिगो को बनाया है तो आपको उनका लास्ट ट्वीट 9 अक्टूबर 2020 को देखने को मिलता है। इसके बाद ना ही कोई अपडेट है और ना ही कोई न्यूज आया था। भले ही टचफू ने 9 अक्टूबर 2020 के बाद से एक भी ट्वीट नहीं किया है लेकिन स्वर्डिगो के फैंस इस ट्वीट पे 100 से ज्यादा लाइक और 60 से ज्यादा कमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि स्वर्डिगो गेम का दूसरा पार्ट आए तो प्लीज टचफू और डायर लाइट के ट्विटर अकाउंट पर जाओ और वहां पे वी वांट स्वर्डिगो 2 का ट्वीट करो। हो सकता है ज्यादा लाइक्स और ट्वीट देख के डेवलपर स्वर्डिगो के दूसरे पार्ट को बनाने का सोचने लगे, क्योंकि जिस तरीके से डायर लाइट और टचफू की तरफ से स्वर्डिगो के बारे में ना तो कोई अपडेट्स आ रहे हैं और ना ही कोई न्यूज आ रहा है, इसे देखो तो यही लगता है कि ना ही टचफू और ना ही डायर लाइट स्वर्डिगो के सेकंड पार्ट बनाने का सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वर्डिगो गेम का दूसरा पार्ट आए तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, पर टचफू और डायर लाइट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाके स्वर्डिगो 2 के बारे में ट्वीट करो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप स्वर्डिगो जैसे और गेम्स प्ले करना चाहते हैं तो वीडियो के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जबरदस्त गेम के साथ, तब तक के लिए बाय।